के शहर में है, यहाँ सन सिटी में है, यहाँ के सारे रहने वाले लोग उससे त्रस्त है। यहाँ पे अवैध कब्रिस्तान बनने की कोशिश की जा रही है और आज मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि स्नेहा दुबे की लाश पे कब्रिस्तान बनेगा। मैं मेरे आखिरी दम तक ये कब्रिस्तान बनने नहीं दूंगी। और भाजपा का मुझे पता है, हर एक कार्यकर्ता, महायुति का हर एक कार्यकर्ता इस लड़ाई माता की भारतीय जनता पार्टी महायुति विधानसभा की लोकप्रिय उम्मीदवार एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित जी को आग्रह करता हूं कि वो हमें संबोधित करें। दसई विधानसभा चुनाव के लिए इस प्रचार सभा में आए हुए हमारे सभी के मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ नेता, भारत के संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ जी, सिंह जी का मैं यहाँ वसई के सारी जनता की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सम्माननीय राष्ट्रपति और यहाँ उपस्थित वसई की मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, आपको सबको जय श्री राम। मैं हमेशा से कहती हूँ, जिस दिन से नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उस दिन से मैं ये कह रही हूँ कि ये चुनाव, वसई का ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है तो ये परिवर्तन की लड़ाई है और इस लड़ाई में लड़ने वाले हम सब सैनिक हैं। और आज हम सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे देश के संरक्षण मंत्री खुद यहाँ पे आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वसई में पिछले 30 साल में क्या नहीं हुआ इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो 30 साल थे वो यहाँ के स्थानीय पक्ष थे और अब ये चुनाव, वसई का ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पार्टी लड़ रही है। और मुझे ये विश्वास है कि महायुति के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जिस मेहनत से रात दिन एक करके ये परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जीत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 23 तारीख का इंतजार है। वसई में बहुत सारे प्रश्न हैं और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है सर कि वसई में बारिश में घर से पानी जाता नहीं है और नलों में पानी आता नहीं है, तो ये वसई में जो पानी की तकलीफ है उसे हमें सबसे पहले दूर करनी है। वसई में आरोग्य व्यवस्था नहीं है, 14 साल हुए महानगर पालिका को लेकिन एक भी अस्पताल ये बना नहीं पाए। अस्पताल बनाना हमारी प्राथमिकता है, स्कूल बनाना हमारी प्राथमिकता है। 70 साल के बाद भी इस वसई की जनता उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित है, तो सबसे पहले भाजपा की सरकार यहाँ पे आने के बाद हर एक नागरिक को उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त कर देना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं क्योंकि हम सबको, हमारे संरक्षण मंत्री जी को सुनने की उत्सुक सब उत्सुक है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न आज वसई के शहर में है, यहाँ सन सिटी में है, यहाँ के सारे रहने वाले लोग उससे त्रस्त है। यहाँ पे अवैध कब्रिस्तान बनने की कोशिश की जा रही है और आज मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि स्नेहा दुबे की लाश पे कब्रिस्तान बनेगा। मैं मेरे आखिरी दम तक ये कब्रिस्तान बनने नहीं दूंगी। और भाजपा का मुझे पता है, हर एक कार्यकर्ता, महायुति का हर एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में मेरे साथ होगा। फिर से एक बार मैं कह रही हूँ कि ये परिवर्तन की लड़ाई हमें दिन रात एक करके लड़नी है और जीतनी है, क्योंकि 40 साल के बाद वसई में कमल खिलने जा रहा है, 40 साल के बाद वसई में कमल चिन्ह पे लड़ा जा रहा है और मुझे विश्वास है जहां कमल है वहां जीत निश्चित है। और मेरा ये सौभाग्य है
कि कमल के साथ साथ 40 साल के बाद एक महिला उम्मीदवार को मौका मिला है। तो हमारी बहनों की मैं प्रतिनिधि हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने जो लाड़की बहन योजना लाई है उससे काफी महिलाओं को लाभ मिला है। तो ये योजना अगर हमें कायम स्वरूप ही शुरू रखनी है तो महायुति के अलावा हमारे पास दूसरा पर्याय नहीं है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, वसई के उज्जवल भविष्य के लिए 20 तारीख को 3 नंबर के सामने कमल चिन्ह के सामने अपना वोट देके, अमूल्य वोट देके महायुति को जिताइए, भाजपा को जिताइए और वसई में 40 साल के बाद सूरज के किरणों के साथ कमल खिलाइए। धन्यवाद। जरा जोर से मेरे साथ हाथ उठा के बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। धन्यवाद।